हेलो गाइस वेलकम टू एग्जामपुर आप सभी लोगों का एग्जामपुर में स्वागत है और हम लोग आज नेशनल पार्क की जो सीरीज स्टार्ट किए थे उस सीरीज में आगे का जो आ, स्टेट है उसके साथ में हम लोग हैं और आज हमारा जो टॉपिक है या जिस स्टेट के नेशनल पार्क्स को हम लोग कवर करेंगे वो हमारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश यानी आज हम लोग जो है वो नेशनल पार्क ऑफ द हिमाचल प्रदेश के को कवर करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कितने नेशनल पार्क्स हैं ठीक है कितने नेशनल पार्क्स हैं और किन की क्या खासियत है यानी सभी कुछ नेशनल पार्क्स होंगे जिसमें कुछ डीपली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ होते हैं जिनका सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए तो इंपॉर्टेंस उनकी इस बात पे डिपेंड करती है कि वहां पर क्या खास खास चीजें पाई जाती हैं ठीक है तो आज आप देखो यहाँ पे पहला एक नेशनल पार्क हम लोग देखेंगे द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ठीक है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क तीसरा है इंद्र किला नेशनल पार्क चौथा है खीर गंगा नेशनल पार्क और पांचवा है सिंबल बारा नेशनल पार्क यानी ये पांच नेशनल पार्क हैं और इन पांचों नेशनल पार्क्स के बारे में आपको पढ़ना है और डिटेल में हम लोग देखेंगे क्या क्या खास बात है जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है और हम इसमें यूपीएससी से लेकर के बाकी जो और एग्जामिनेशन होते हैं जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह में वहां पर कैसे क्वेश्चन है, है जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कंफ्यूजन उतना कम होता है और नेशनल पार्क को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है जो बहुत पॉपुलर है वो उसको तो आप सही कर ले जाते हो लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं वहां गलतियां हो जाती हैं ठीक है तो आप सभी लोग सेशन को मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस सीरीज से जुड़ सकें और इस सीरीज को आपको कंटिन्यू देखते रहना है यानी एक चार पांच नेशनल पार्क ही पढ़ेंगे लेकिन हम लोग पर डे नेशनल पार्क्स को पढ़ेंगे यानी जब तक हमारे नेशनल पार्क के ऊपर हमारी अच्छी कमांड नहीं हो जाती है तब तक हम लोग एक एक नेशनल पार्क यानी एक एक राज्य के नेशनल पार्क को कवर करते चलेंगे। तो इससे पहले हमने आपको छह नेशनल पार्क पढ़ाए, उसको आपको पता होना चाहिए और आज हम लोग ये पांच नेशनल पार्क देखने जा रहे हैं जिसमें आपको ये पता होना चाहिए ग्रेट नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां पे है हिमाचल प्रदेश में बिन वैली नेशनल पार्क कहां है वो भी हिमाचल प्रदेश में इंदर किला नेशनल पार्क कहां है वो भी हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा नेशनल पार्क कहां पे वो भी हिमाचल प्रदेश में और सिंबल बारा नेशनल पार्क कहां है वो भी हिमाचल प्रदेश में तो अगर कहीं सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इंदर किला नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है तो आपका जवाब सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में ठीक है तो ऐसे कंडीशन में आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए अब इसके बाद में हम लोग एक एक नेशनल पार्क के बारे में देखें, देखें देखेंगे हाँ जो डिफरेंसेस हैं या नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हिमाचल जो वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो एक क्लास में मैं पढ़ा भी चुका हूं और आगे फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि इनमें अंतर क्या होता है डिफरेंसेस क्या होते हैं ठीक है ठीके? तो कहीं पर भी अगर आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपके कवर होने चाहिए सही होने चाहिए अल्टीमेटली हम लोग का टारगेट क्या है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो अगर उसमें नेशनल पार्क का क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए भले आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए अगर आप जो वन डे एग्जामिनेशन दे रहे हो वहां पर भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए स्टेट पीसेस ठीक है स्टेट पीसीएस में भी आप दे रहे हो तो वहां भी गलत नहीं होना चाहिए देखो दो ये हमें हम लोगों ने कवर किया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों कवर कर चुके हैं अब हम लोग कहां पे पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में तो एक सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग और जिससे हमारी एक अच्छी तैयारी हो जाए और हम लोग ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करें देखो किसी भी स्टेट या किसी भी नेशनल पार्क को समझने से पहले हमें वहां की जो है वो मैप वगैरह को समझना चाहिए उसकी लोकेशन अगर किसी भी नेशनल पार्क की आप लोकेशन समझ जाते हो तो अगर कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो लोकेशन से ही आप आंसर कर सकते हो अगर उसके बारे में फैक्ट आपको ज्यादा नहीं पता है फिर तब भी आप आंसर कर सकते हो देखो ये ग्रेट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखो तो एक डिस्ट्रिक्ट है यानी ये हिमाचल प्रदेश का एक मैप आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिले आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जैसे यहाँ लाहौल स्पीति है कुल्लू है किन्नौर है शिमला है ठीक है सोलन डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ठीक है तो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश और जिस नेशनल पार्क की हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका रिलेशन है इस डिस्ट्रिक्ट से यानी जिसका नाम है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट यानी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इसी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में यह नेशनल पार्क स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तो सबसे पहले आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की लोकेशन पता होनी चाहिए और हिमाचल प्रदेश के मैप में आपको देख रहा है यहाँ पे कि कुल्लू जिले में इस नेशनल पार्क की लोकेशन ठीक है इस जिले में जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की लोकेशन है ठीक है ठीक अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यानि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस नेशनल पार्क से रिलेटेड है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर स्थित है तो स्थित कहां पर है ये कुलू रीजन में यानी कुल्लू में स्थित है तो आपको ये याद होना चाहिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ठीक है और इसको ऑफिशियली 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया ठीक है तो ये जो ईयर है, ये ईयर आपको ध्यान रखना है, एक दो बार अगर आप वीडियो देखते रहोगे तो ये ईयर आपको ध्यान हो जाएगा हो सकता है कभी क्वेश्चन यूपीएससी में वैसे नॉर्मल लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा बट यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस में अरेंज करो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोनोलॉजी जो है कि पहले कौन नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ उसके बाद में कौन सा हुआ उसके बाद में कौन हुआ तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अगर कभी पूछा जाता है तो उस समय ये आपको काम आएगा ठीक है तो 1984 में ये इसको बनाया गया लेकिन ऑफिशियली इसको नेशनल पार्क नाइनटीन में डिक्लेयर किया गया और 2014 यानी 2014 में इस नेशनल पार्क को यूनेस्को की लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया तो आपको ये पता होगा कि यूनेस्को एक जो है वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें यानी यूनेस्को जो है ठीक और ये जो यूनेस्को है इसकी अपनी एक लिस्ट होती है जिसको हम लोग कहते हैं हेरिटेज uh, लिस्ट या जिसको कहा जाता है विरासत सूची ठीक है तो विश्व विरासत सूची या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट कहा जाता है और इस लिस्ट में हमारे कुछ हेरिटेज को शामिल किया गया है जिसमें ये जो नेशनल पार्क है इसको सकता है कि कौन -कौन से नेशनल पार्क है नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है या कौन सा नहीं शामिल है तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है तो हमने यहां पर देखा कि हमने यहां पर क्या देखा कि ये जो हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है और इसको कब शामिल किया गया 2014 में तो ये डेट आपको याद रखना है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में या विश्व विरासत सूची में भी शामिल है ठीक है यानी इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया तो पहला डिस्ट्रिक्ट दूसरा इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और इसको ऑफिशियली नेशनल पार्क कब डिक्लेअर किया 1999 में ठीक है ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जो आप बार-बार रिवाइज करोगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी एक दिन में नहीं याद होता इसलिए हम लोग एक दिन में सिर्फ कुछ ही नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे और ये जो नेशनल पार्क है इसमें कुछ घाटियां हैं यानी कुछ वैलीज हैं और वो जो चार घाटियां यानी ये नेशनल पार्क बेसिकली चार घाटियों में फैला हुआ है घाटी का मतलब क्या होता है घाटी किसे कहा जाता है तो आप ये देखो कि अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है सपोज करो ये कोई पर्वत है और ये दो दो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं इनके बीच में ये जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं घाटी तो अगर आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाओ या हिमाचल प्रदेश में जाओ उत्तराखंड के रीजन में जाओ या जम्मू कश्मीर के रीजन में जाओ तो आप देखोगे कि पहले एक पर्वत मिलेगा फिर एक ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहां पर आवास होगा लोग रह रहे होंगे और फिर उसके बाद में कोई पर्वत होगा तो ऐसे में वो जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं घाटी तो यानी दो पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको वैली बोला जाता है उसको घाटी कहा जाता है तो ये जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये बेसिकली ये चार घाटियों में फैला हुआ है यानी ये कितने घाटियों में चार घाटियों में फैला हुआ है और इन चार घाटियों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि एक वैली है जिसको हम लोग कहते हैं सैनिज वैली ठीक है यानी एक घाटी क्या है जिसको कहते हैं दूसरी एक है पार्वती घाटी है, हो सकता है से पूछा जाए कि पार्वती कहां पर है क्योंकि क्वेश्चन है, है आपसे घाटियां से क्वेश्चन बनता है तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पार्वती घाटी कहां पर स्थित है तो आपको जवाब में क्या आना चाहिए आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस घाटी का संबंध किस नेशनल पार्क से उसको आपको पता होना चाहिए दूसरा एक और घाटी है तीसरी घाटी है जिसका नाम है तीर्थन घाटी और चौथी घाटी है जिसका नाम है जीवनल घाटी तो आपको इन चारों घाटियों का नाम याद रखना है जिसमें एक जो है उसका नाम क्या है सैनिज घाटी दूसरी पार्वती घाटी तीसरी तीर्थानल घाटी और चौथी तीर्थन घाटी और चौथी जीवानल घाटी तो ये जो चार घाटियां हैं इन चार घाटियों का नाम आपको पता होना चाहिए ठीक है यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से कौन सा पर्वत है या इनमें से कौन से राष्ट्रीय उद्यान की खासियत निम्न दिखी गई तो तीन स्टेटमेंट दिया गया जिसमें आपको पहला स्टेटमेंट दिया गया कि एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि विश्व विरासत सूची में भी शामिल है पहला स्टेटमेंट दूसरा और इसी स्टेटमेंट के आधार पर आपको पहचानना है कि कौन सा नेशनल पार्क है इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है और यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन बन सकती है इस, गह, इस नेशनल पार्क का विस्तार चार घाटियों में हुआ है ठीक है और ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता घाटियों के नाम दिया जाए हो सकता घाटियों के नाम ना दिया जाए तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है तो आपको पहचान करने के लिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए तो इतने इंफॉर्मेशन आपके पास में और इन घाटियों का नाम आपको याद रखना है इन घाटियों का नाम अपनी नोट्स में आपको नोट कर लेना है कौन कौन सी तीर्थन घाटी जीवनल घाटी और पार्वती घाटी और सैनिज घाटी इन चारों के बीच में इन्हीं चारों के क्षेत्र में ये नेशनल पार्क जो है हमारा स्थित है इस नेशनल पार्क में कुछ जानवर पाए जाते हैं जिसमें एक है ब्लू शीप यानी नीली भेड़ भेड़ और स्नो लेपर्ड यानी जो हमारा हिम तेंदुआ होता है लेपर्ड और हिमालयी जो भूरा भालू होता है यानी हिमालयन ब्राउन बेयर इस रीजन में पाया जाता है हिमालयन ताहर पाया जाता है यानी ये हिरन की एक प्रजाति होती है ये पाई जाती है ये इंपॉर्टेंट जानवर है इसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसमें कुछ जैसे मस्क रियर जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इंडियन पीका ठीक है रिसस मंकी ये रिसस मंकी वही मंकी है जिसके बेस पर ही हम लोग आर एच फैक्टर पढ़ते हैं ब्लड में ठीक है तो ये जो रिसस मंकी है ये रेड फॉक्स और प्लम हेडेड जो है वो पैराकिट्स तो ऐसे कंडीशन में कुछ जानवर पाए जाते हैं इस क्षेत्र में और उन जानवरों को यहां पर कंजर्व किया जाता है हम उनमें से जिन जानवरों के बारे में अभी तक नहीं पढ़े हैं पिछले सीरीज में उन जानवरों के बारे में हम लोग देखते हैं इसका क्या खासियत है कैसे दिखता है और इसके आयुशियन स्टेटस क्या होता है आयुसियन स्टेटस का मतलब कि ये आयुसियन में ये उसकी जो रेड डेटा लिस्ट होती है उसमें ये किस कैटेगरी में है ये संकटग्रस्त में है एंडेंजर्ड में है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है एक्सटिंक में है ठीक है तो ऐसे में इनकी कैटेगरी हम लोग देखेंगे तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई होगी रेड फॉक्स ठीक है और ये जो है, ये जो रेड फॉक्स है इसकी संख्या अभी बहुत ज्यादा नहीं कम हुई है तो इसलिए ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये धीरे धीरे क्या है इनकी संख्या कम हो जाएगी और ये वलरेबल कैटेगरी में शामिल हो जाएंगी तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है ये एक इस क्षेत्र में यानी यहां पर पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट जानवर है उसके बाद में दूसरा एक जानवर यहां पर मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन पीका ठीक है ये आपको गिलहरी टाइप का कुछ दिखने दिखता है जैसे जैसे गिलहरी होता है वैसे और चाइना इंडिया नेपाल और पाकिस्तान के रीजन में पाया जाता है और इसका भी जो आयुषियन स्टेटस है वो आयुषियन स्टेटस इसका कैसा है लीस्ट है यानी इसका भी आयु स्टेटस कैसा है लीस्ट कंसर्न यानी इसमें भी खतरा स्टार्ट हुआ है लेकिन अगर अभी ध्यान दे देंगे तो ठीक है अदरवाइज इसकी संख्या कम होने लगेगी ठीक है तो ये लीस्ट कंसर्न है ठीक आयु स्टेटस इसका उसके बाद में एक है रिसस मंकी और आप देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे लॉन्ग टेल्ड मैकाक किस रीजन में पाया जाता है ठीक है इस टाइप से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकी पूछी हुए है कि किसी जानवर को देखकर के और पूछा गया ये किस रीजन में पाया जाता है ये किस नेशनल पार्क के रीजन में पाया जाता है तो आपको ये ध्यान रखना जैसे आपको ब्लू शीप अभी जब तक हम लोगों ने देखो आपने आ, जम्मू कश्मीर लद्दाख के माउंटेन नेशनल पार्क पड़े तो वहां पर भी आपको ब्लू शिप मिला यहाँ पर भी ब्लू शीप मिल रहे हैं, स्नो लेपर्ड मिल रहे हैं तो स्नो लेपर्ड का मतलब क्या लेपर्ड पे मिलेंगे इस कारण से यहाँ पर लेपर्ड्स मिलते हैं ठीक है? मंक, जो है या जो ये बन, मंकी है इसको अगर हम लोग देखें तो ये ब्राउन एंड ग्रे कलर आपको दिख रहा है यहां पे और इनका जो फेस होता है वो पिंक फेस होता है ठीक है और इनकी जो स्टेटस है वो क्या है आयु जो है वो लीस्ट कंसर्न स्टेटस है ठीक है ये बेसिकली आपको दिखने को मिल जाता है तो ये यही मंकी है जिसके बेस पर हम लोग ब्लड में आर फैक्टर को पढ़ते हैं ठीक है तो बायोलॉजी में आप लोग डीपली पढ़े होंगे क्या फैक्टर है यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वहां से लिंक कर बता रहा हूं ठीक है उसके बाद में ये जानवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है हिमालयन ताहर ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इसका नाम आपको याद रखना है ये ठीक है इसका नाम आपको याद रखना है और इसको हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इस नेशनल पार्क में पाया जाता है और इस नेशनल पार्क के अलावा ये और भी क्षेत्रों में पाया जाता है जैसे तिब्बत में नॉर्थ इंडिया में नेपाल के रीजन में भी पाया जाता है तो साउथ तिब्बत का रीजन वहां पर पाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया का रीजन यानी और भी क्षेत्रों में और नेपाल के रीजन में ये पाया जाता है जैसे आपसे हो सकता है कि इस ताहर से क्वेश्चन बन जाए कि ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है ये या यहां के जो है एंडेमिक स्पीसीज है तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं है ये इंडिया के अलावा नेपाल के रीजन में पाया जाता है हाँ। ये हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है तो हिमालय का विस्तार नेपाल में भी है तो इस कारण से हम लोग यहां पर ये समझ सकते हैं कि हाँ ये ठीक है और ये जो है वो अभी किस कैटेगरी में नियर ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट ठीक तो आपको ये ध्यान रखना है देखो बहुत सारे जानवर हैं रेड डेटा लिस्ट में बहुत सारे जानवर और पक्षी होते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा लेकिन हम लोगों का जो अप्रोच है अगर इससे आप एक दो बार चीजों को याद रखोगे तो हो सकता है कि ऑप्शन देख करके आप आंसर को दे सकते हो ठीक है अभी तक हम लोग जितने देखे उसमें से बहुत कम ऐसे जीव हैं जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में हम लोगों ने देखा उसको ठीक है यानी अभी तक हम क्या देखें या तो नियर थ्रेटर्ड होंगे या लिस्ट होंगे होंगे जो जितने भी जानवर होंगे। कुछ जानवर जो है वल्लेबल कैटेगरी में हमने देखा और कुछ एंडेंजर्ड में देखा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होते हैं जो वलनेबल और एंडेंजर्ड में होते हैं उनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ठीक है तो आपको वहां पर ध्यान देना है तो जानवर ठीक है ये ध्यान रखना है आपको और उसके बाद में एक यहां पर पिंक हेडेड जो है वो पैराकीट पाया जाता है ठीक है तो आपको यहां पे पैरट यानी जो हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तोता ठीक है तो, तो इसमें यहां पर एक पैरट पाया जाता है जिसको पिंक हेडेड पैरट कहते हैं हम लोग ब्लैक हेडेड डक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ठीक है तो इसको भी ध्यान रखना है कि ये इस रीजन में पाया जाता है और ये भी लिस्ट कंसर्ट में यानी इसका भी IUCN स्टेटस क्या है लिस्ट कंसर्ट तो कुछ ही इंपॉर्टेंट जानवर्स थे यहाँ पर और ये

और ये नेशनल पार्क आपको यहां पर देखो दिखाई पड़ रहा है जिसकी लोकेशन आप देखो यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के रीजन में ठीक है तो ये पिन वैली नेशनल पार्क की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है आपको पता होना चाहिए और ये डिस्ट्रिक्ट क्या है लाहुल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ठीक है यानी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को अगर आप हिमाचल प्रदेश में जो हम लोगों ने शुरू में मैप देखा उसमें अगर आप देखोगे तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहां पर है और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इसके नॉर्थ में है तो इसका मतलब कि जो पिन वैली नेशनल पार्क होगा वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क से कैसे है नॉर्थ में लोकेटेड है इसके नॉर्थ में लोकेटेड है तो ऐसे में आपको रिलेट करके रखना है कि हो सकता है कभी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो डायरेक्शन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए ठीक है आ, और ये जो नेशनल पार्क है वो वास्तव में ये नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व है उस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होता है तो आप यहां पे अभी एक बेसिक आईडिया ले लीजिए कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है तो हो सकता है कि एक नेशनल पार्क के अंदर कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है यानी एक नेशनल पार्क के अंदर कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं होती भी हैं ठीक है और एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत यानी कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो हो सकता है कि इसमें नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता हो ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जो यूनिट होगी वो कौन सी होगी बायोस्फे रिजर्व इससे अगर देखा जाए तो नेशनल पार्क छोटा होगा और वाइल्ड लाइफ इससे छोटा हो सकता है तो यानी एक नेशनल पार्क में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं और एक बायोस्फेर रिजर्व के रीजन में हो सकता है कि नेशनल पार्क भी एग्जिस्ट करता हो ठीक है तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है और इस यहां पर कुछ जो जानवर पाए जाते हैं उसमें एक जानवर है आईबेक्स एक होता है भरल रेड फॉक्स मार्टीन ठीक है तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आईबेक्स क्या होता है ये हिरण की एक प्रजाति होती है भरल क्या होती है ये भी हिरण की प्रजाति होती है रेड फॉक्स को मैंने आपको अभी दिखाया था रेड फॉक्स मतलब जो लोमड़ी रेड कलर की आपको मैंने शुरू में दिखाया था जो पहले वाले नेशनल पार्क में भी पाई जा रही थी और यहां पर भी पाई जा रही है ठीक है तो

जैसे आप देखो पशमीना एक बकरी होती बकरी होती है पशमीना गोट और पशमीना जो गोट होती है उससे जो उसका फर होता है उससे बहुत सारे शॉल वगैरह बनाए जाते हैं जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है तो पश्मीना पे बहुत बार क्वेश्चन आ गए हालांकि पश्मीना को हम लोग अभी किसी कंजर्वेशन रीजन में नहीं देखे हैं बट ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि आईबेक्स से क्वेश्चन बन सकता है आईबेक्स एक यहाँ का इंपॉर्टेंट एनिमल है ठीक है और ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में है यानी सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि ये कि स्टेटस इसका क्या है तो आयुषियन स्टेटस इसका क्या है लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में ये शामिल है दूसरा एक जानवर आपको यहां पे देखा ही पड़ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिफन ठीक है ये कुत्ते की एक प्रजाति होती है जो इस रीजन में पाई जाती है ग्रिफन और ये है मार्टिन यानी जो आपको, तो आपको, ने ने आपको हिमालय नेशनल पार्क के बारे में बताया उन दोनों के बारे में अगर आपको अगर इतनी बातों में कुछ बात भी याद रहेगी तो आपका काम हो जाएगा यानी आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा ठीक है अगला माया नेशनल पार्क जो है उसका नाम है इंदर किला नेशनल पार्क यानी हमारा जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है इंदर किला नेशनल पार्क और इसकी जो लोकेशन है अगर आप इसके लोकेशन को यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये यहाँ पर लोकेटेड है इंदर किला नेशनल पार्क और इसके दक्षिण में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड है यानी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और इसके उत्तर में इंदर किला नेशनल पार्क है और अगर और उत्तर में जाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा जो हमने देखा था पिन वैली नेशनल पार्क तो ये दोनों को अगर आप देखो तो ये

जो है वो इस नेशनल पार्क को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ में ही मर्ज किया गया है ठीक है तो इंदर किला नेशनल पार्क की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के रीजन में ही लोकेटेड है अगला हमारा जो नेशनल पार्क है वो हमारा है खीर गंगा नेशनल पार्क ठीक है खीर गंगा नेशनल पार्क जो है इसके बारे में हम लोग देखते खीर गंगा नेशनल पार्क तो ये जो खीर गंगा नेशनल पार्क था इसको 2010 में किया गया और आगे हजार के इसको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ में ही मर्ज कर दिया गया ठीक है तो इसकी लोकेशन भी कहां पर है कुल्लू में ही ठीक है इससे पहले हम लोगों ने देखा तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क था वो भी कहां पर था कुल्लू में कुल्लू के रीजन में था तो खीर गंगा नेशनल पार्क प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये नेशनल पार्क जो है वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के साथ में मर्ज हो चुका है दो में ठीक है तो दो नेशनल पार्क के एरिया को एक साथ कर दिया गया और अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क उसी का रीजन हम लोग बोलते हैं यानी इसका नाम जो है वो अब नहीं लिया जाता है ठीक है तो इसका जो एरिया है यानी इस नेशनल पार्क का जो रीजन है ये नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल रीजन है यानी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रीजन है क्योंकि यहां के जो फ्लोरा और फाउना की कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है इसी वजह से ठीक है इसको हम लोग क्या देखते हैं कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल जितने भी पार्क हैं उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा यानी सबसे ज्यादा खूबसूरत जो पार्क है पूरी दुनिया में उनमें से एक है इवन इंडिया में भी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत पार्क है उनमें से ये एक है अगर आप देखो यहाँ पर इस मैप को अगर आप समझो तो देखो खीर गंगा ने ये जो खीर गंगा नेशनल पार्क है एक यहाँ पर आप देखो पिन वैली नेशनल पार्क है ठीक है इन दोनों के रीजन में और ये जो है आपको यहाँ पर ग्रेट हिमालय ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है तो ऐसे में ये जो ग्रेट ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है इसके रीजन को यहां पर एक्सपेंड किया गया तो इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए खीर गंगा नेशनल पार्क और उसके बाद में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और इस साइड में इसका पिन वैली नेशनल पार्क ठीक है अगला जो हमारा नेशनल पार्क है जिसके बारे में हम लोगों को कवर करना है ठीक है वो हमारा नेशनल पार्क कौन सा है लास्ट में सिंबल बारा नेशनल पार्क ठीक है सिंबल बारा नेशनल पार्क इसकी लोकेशन अगर आप देखो तो इसकी लोकेशन सबसे साउथ में है और हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो कि आप देखो साउथ में यहां पर लोकेटेड है सबसे साउथ में लोकेटेड एक डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और ये जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है इसी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक नेशनल पार्क है जिसको हम लोग कहते हैं सिंबल बारा नेशनल पार्क ये जो सिम्बल बारा नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और ये जो नेशनल पार्क है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है जिसकी बाउंड्री हरियाणा के साथ में जो है वो शेयर होती है यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल आप देखो तो हरियाणा के साथ में इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और इसको नेशनल पार्क हम ने 2010 इसको हमने डिक्लेयर किया टू में यानी इसको नेशनल पार्क हमने कब डिक्लेयर किया टू टेन में इसको नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया और यहां पर कुछ जानवर हैं जिसमें गोरल्स सांभर स्पॉटेड डियर्स ठीक है जिसको हम लोग चीतल कहते हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर हैं तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इसकी लोकेशन सबसे साउथ में है यानी कभी भी अगर हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क को नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए बोला जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे साउथ में कौन सा होगा सिंबल पारा ठीक है तो अभी देखो एक गोरल आपको एक यहां पर जानवर दिखाई पड़ रहा है जिसको हम लोग हिमालयन गोरल भी कहते हैं ठीक है जो कि हिमालय के रीजन में पाई जाती है और आयुसियन के रेड डेटा लिस्ट में इसकी जो कैटेगरी है वो क्या है या इसका स्टेटस जो है वो क्या है नियर थ्रेटेंड ठीक है आयुसियन के रेड डेटा लिस्ट में इसकी कैटेगरी क्या है नियर थ्रेटेंड उसके बाद में यहां पे सांबर देखो आप सांबर जो है वो हिरन की एक प्रजाति यानी हिरन होता है ठीक ये आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई पड़ेगा भी सुना होगा ये सांबर जो है इडली के साथ वाला नहीं है ये ध्यान रखना आपको ठीक है और ये सांबर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में पाए जाने वाले हैं यानी ये भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब आपको पता हो रहा होगा कि इसमें इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश ये पूरे रीजन यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो ऐसे में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इनका जो इनकी पोचिंग होती है उस पोचिंग की वजह से इनकी हम लोग अगर देखें इन्हें तो ये वलेबल कैटेगरी में आ गए ये इंपॉर्टेंट है आप देखो ये यहां पर आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो इंडियन सांभर है या हिमालयन सांभर है ये पाए कहां पर जाते हैं और अगर इनकी कैटेगरी देखा जाए तो ये वेबल कैटेगरी में है है प्रेजेंट टाइम में यानी इनमें इन पर जो है या इनकी संख्या कम हो चुकी है अगर इनको नहीं देखा गया या इनकी संख्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में ये एंडेंजर्ड हो जाएंगे यानी किस कैटेगरी में आ जाएंगे एंडेंजर्ड और फिर भी अगर नहीं ध्यान दिया गया तो ये क्या होंगे एक्सटिंक्ट या क्रिटिकली

अक्ष या एक्सिस डियर भी कहा जाता है तो तीनों इनके नाम है इन तीनों नाम को ध्यान रखना है स्पॉटेड डियर चीतल डियर या एक्सिस डियर और ये आयुसीन के डेटा लिस्ट में लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है तो ऑलमोस्ट जितने भी हमने देखा उसमें या तो वो लिस्ट कंसर्न में है या नियर थर्टन में कुछ ऐसे हैं जो वलनरेबल और एंडेंजर्ड में तो जो वलनरेबल हैं उन की संख्या या उनका डेटा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में जो एंडेंजर्ड होते हैं उनके तो आपने अभी हम लोगों ने क्या देखा हिमाचल प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उन नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहां से क्वेश्चन बन सकती है जिसमें मैंने आपको लोकेशन वाइज सारे नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने कवर किया कि कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर हैं ठीक है तो इन पांचों नेशनल पार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए इन पांचों में से कौन मर्ज कर दिया गया है कहां पर स्टैब्लिश है ठीक है इनकी लोकेशन क्या है इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको आइडिया रहेगा तो आई थिंक अगर आपने अगर आपने इतना ही देख लिया इतने ही ने, नेशनल पार्क से रिलेटेड ये वीडियोज ही देखते चले गए तब भी आपका काम हो जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा ठीक है तो ये नेशनल पार्क कल हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं यानी नेक्स्ट सीरीज में यानी हमारा जो कल का चैप्टर होगा वो क्या होगा उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा और ये भी आप लोग फटाफट मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या इस टाइप से नेशनल पार्क पढ़ना आपके लिए हेल्पफुल है या आपको समझ में आ रहा है ऐसे आपके पास में रिटेन हो सकता है कि नहीं यानी जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो ठीक है नहीं सही है तो आपको अगर कुछ लगता है कि नहीं और भी कोई तरीका हो सकता है तो आप उस तरीके को अपने शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है आपके पास में या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ठीक है और मेरा जो मानना है कि अगर आप एक बार पूरी सीरीज को कंटिन्यू कंप्लीट कर लिए तो नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे ठीक है तो क्योंकि इकट्ठा सारा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और वो फैक्ट होता है क्योंकि हमारे माइंड की कैपेसिटी है फैक्ट हम लोग बहुत इकट्ठा फैक्ट हम लोग नहीं याद कर सकते लेकिन अगर कुछ फैक्ट्स को हम धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं कम फैक्ट को पढ़ें लेकिन ज्यादा बार पढ़ते हैं तो ऐसे में वो फैक्ट हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं हमारे सब कॉन्सियस माइंड में चले जाते हैं और फिर जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो वो हम वहां से ठीक है फिर हम लोग आंसर कर सकते हैं ठीक तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी और हम लोग अब कल मिलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क के साथ में किसमें नेशनल पार्क ऑफ द उत्तराखंड ठीक है थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे